आप देख सकते हैं ये नई लाइन बनाई गई है और इसमें देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिफाइड टनल भी बनी है, उसी को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और इसकी जो लंबाई टनल की अगर हम बात करें तो 6.6 किलोमीटर है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रेलवे के PRO हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं सकिन साहब से कि किस तरीके की ये टनल है और क्या क्या इसमें चीज़ें की गई हैं। सकिन साहब आपका स्वागत है सर, किस तरीके की टनल है और क्या खास है इसमें? एक्चुअली एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और सारी टनल जो है LED लाइटिंग के साथ है ताकि कोई किस्म की दवाई दिक्कत ना हो। और टनल में काफ़ी अच्छे सारे प्रोविजन जो है रखे गए हैं, जैसे वाटर सीपेज वगैरह नहीं होता है, सेफ्टी एलिमेंट्स वगैरह का जो है काफ़ी उस पर महत्व दिया गया है। और ये टनल ये माना जा सकता है कि इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मार्वल्स दैट वी हैव बीन एबल टू रियली कॉन्सेप्चुलाइज ऑन साउथ सेंट्रल ऑन इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो नई लाइन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस पर अब मालगाड़ियाँ चलती हैं और मालगाड़ियाँ सीधा सीधा कनेक्ट करती हैं कृष्णापट्टनम को कनेक्ट करती हैं, जो कि एक पोर्ट है, और वहाँ से जो माल ढुलाई है उसको वो आसान हो गई, उसका रूट जो है अब छोटा हो गया है। और इससे हम कह सकते हैं उद्योग को भी बचत होगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि देश की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और इलाके को तो फ़ायदा है ही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस रूट पर ये अनुमान लगाया जा रहा है और रेलवे इसकी तैयारी भी कर रही है कि इस रूट पर जो है डबल लाइन की जाए और साथ ही साथ यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जाएं, तो कहीं ना कहीं जो इलाका है उसको भी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ रेलवे को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब बेहतर सुविधाएं देगी रेलवे तो उसी के साथ रेलवे का भी हम कह सकते हैं फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, जितने भी इसमें कंटेंडर हैं सबके लिए विन विन सिचुएशन है। और देखिए किस तरीके से पूरी नई लाइन बनी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। और ये इलाका ईस्टर्न घाट का इलाका है, ईस्टर्न घाट पर हम कह सकते हैं जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये एक तरीके से जियोग्राफिकल बैरियर माने जाते हैं, क्योंकि जब आपको अगर इस इलाके को पार करना है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर से होकर जाना पड़ेगा या इनको जो है हम कह सकते हैं कि इनसे बचना पड़ेगा, इनसे घूम कर जाना पड़ेगा। तो अभी तक का जो तरीका था वो रेलवे ने क्या किया था, इनसे बच के जाते थे यानी घूम के जाते थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि रूट जो है काफ़ी लंबा हो जाता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी और नए इन्वेस्टमेंट के साथ रेलवे ने तय किया नहीं, हम इस जियोग्राफिकल जो बाधा है उसको हम सीधा टक्कर देंगे, सीधा उसको पार करेंगे। तो इसके लिए टनलिंग की गई है और ये नया रूट डाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगल के बीच से होकर जाता है, आसपास गांव है, छोटे छोटे गांव है, छोटी छोटी आबादी है, लेकिन बड़ी आबादी आसपास नहीं है।